शादी के दो दिन पहले मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी पाँच साल के मेरे बेटे के साथ मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ मुझे दोबारा से प्यार हो गया दस साल के बाद उस इंसान ने मुझसे पहले अपने सपनों को चुना एंड ये मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे डार्केस्ट फेज था रात को सोते हुए पंखा देखती थी एंड मन करता था कि उस पर ना लटक जाओ इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं मुझे आपसे एक सवाल पूछना है सवाल ये कि आपने सपने देखने कब शुरू किए पाँच साल की उम्र में दस पंद्रह बीस पच्चीस कुछ तो देखे होंगे ना अपने बारे में बताऊं। मैंने सपने देखने पिछले साल शुरू किए फाइनली जब मैं फोर्टी सिक्स ईयर्स की हो गई सही सुना आपने फोर्टी सिक्स नमस्कार मेरा नाम निधि सैनी है और मैं एक सर्टिफाइड इमोशनल क्लैरिटी कंसल्टेंट हूँ एक कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ लीडरशिप कोच हूँ और एक पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन हूँ एक छोटे शहर में हम लोग रहते थे मेरठ आज की डेट में छोटा नहीं है लेकिन उस टाइम पे फिर भी एक छोटा अनएक्सपोज्ड शहर था जब मेरा स्कूल खत्म हुआ तो हमने ये डिसाइड किया कि बाहर जाके दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ेंगे तो मेरे पापा ने अपने एक दोस्त को मेरा मार्कशीट भेजा और बोला कि किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो देख लो मेरा दो कॉलेज में एडमिशन हुआ लेडी अविन कॉलेज एंड लेडी श्री राम कॉलेज लेडी अविन बी एस सी होम साइंस लेडी श्री राम कॉलेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्या आप गैस कर सकते हो मैंने क्या किया होगा मैंने लेडी अर्वन कॉलेज में बी एस सी होम साइंस चूज़ किया इनफैक्ट मैंने नहीं चूज़ किया मेरे लिए चूज किया गया ये बोल के कि लड़कियों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेडी श्री राम कॉलेज गिव अप कर दिया वाल well, कॉलेज हुआ कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद मेरी शादी की बात चलनी शुरू हो गई एंड uh, एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है सो so, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने अप्लाई किया और मैंने निफ्ट में एडमिशन लिया बेस्ट पार्ट ये है कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा पहला एक्सपोजर था एक कोएड co कॉलेज में सो so अभी तक 21 साल की उम्र तक मैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ी थी मुझे कोएड का कोई एक्सपोजर नहीं था एंड पहला एक्सपोजर लड़कों के साथ इंटरेक्शन करना एक अलग ही अटेंशन मिलना इट वॉज़ गुड अच्छा था लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई प्यार हो गया और शायद मैंने सोचा कि हो गया और इसी से मैंने आगे जाके शादी की इतना आसान नहीं था शादी करना क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे पेरेंट्स मान गए और मेरी शादी हो गई एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताना चाहूंगी कि शादी के दो दिन पहले मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी मैं बैकआउट करना चाहती थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं ये क्यों कर रही हूँ लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए फैमिली सोसाइटी ये इतना मैटर करता था मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनको कुछ कह पाऊँ मैं चुप रही एंड मेरी शादी हो गई सो so, शादी के एक साल के अंदर ये तो पता चल गया था कि कुछ खास चलने नहीं वाली है ये क्योंकि बहुत इश्यूज थे कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे एंड प्यार की अगर मैं बात करूँ वो खिड़की खोलकर बाहर उड़ चुका था अब मैं क्या करूँ मम्मी पापा को कैसे बताऊँ क्योंकि ये डिसीजन तो मेरा था वो तो पहले भी नहीं मान रहे थे तो मैं चुप रही थोड़ा टाइम बाद सोचा बता दूं लेकिन तब तक सिचुएशंस चेंज हो चुकी थी क्योंकि मेरे भाई की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अपसेट थे परेशान रहते थे स्ट्रेस रहते थे एंड तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं अगर वो एक बच्चे से परेशान हैं तो मैं अपनी तो नहीं बता सकती उनको इसलिए मैंने सोचा कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा और वक्त बीता एंड मुझे अपनी ज़िंदगी का बेस्ट गिफ्ट मिला मेरा बेटा पूरी जिंदगी चेंज हो गई अभी तक जो चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चल रही थी दूसरों के हिसाब से चल रही थी अब वो इसके हिसाब से चलनी शुरू हो गई एंड मेरे सपने सारे उसके आसपास बनने शुरू हो गए उसके लिए मुझे क्या करना है मेरे दिन मेरा रात मेरा फ्यूचर सब कुछ अब उस बच्चे के लिए था पूरी जिंदगी चेंज हो गई थी चाहे मेरा बेटा हमारी ज़िंदगी में था लेकिन हमारे बीच में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ खास कंपैटिबिलिटी नहीं थी ना इमोशनल ना फिज़िकल ना इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया लेकिन नौ साल के बाद और पाँच साल के मेरे बेटे के साथ मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि ये सब वर्कआउट नहीं हो रहा है और अब टाइम आ गया है कि आगे बढ़ जाना चाहिए लोगों ने मुझे बहुत बोला ये बोला कि मैं एक बहुत ही बुरी माँ हूँ बहुत ही सेल्फिश माँ हूँ एंड मुझे अपने बच्चे के लिए इस शादी में रुके रहना चाहिए और मेरा सिर्फ एक ही जवाब आता था कि मैं अपने बच्चे के लिए ही इस शादी में नहीं रुकूंगी सो so, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ उस टाइम पे मैं मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड हम लोग मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहते थे एक शाम को जब हम वापस ड्राइव कर रहे थे अपने ऑफिस से मैं ड्राइव कर रही थी मेरे हस्बैंड पैसेंजर सीट पे बैठे थे और मेरा बेटा पीछे हम दोनों बहुत ही बुरी तरह लड़ रहे थे चीख रहे थे चिल्ला रहे थे एक दूसरे के ऊपर एज ऑलवेज हमेशा यही होता था हमारे साथ रेड लाइट पर जब हमारी गाड़ी रुकी मैंने पीछे टर्न करके देखा अपने बेटे की तरफ वो चेहरा मुझे आज भी डरा देता है एंड मेरे को बहुत ही क्लियरली याद है मेरे बेटे के चेहरे पे वो एक पर्टिकुलर लुक इतना डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा मैंने नहीं देखा उसने मुझे हिला दिया एंड उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि ये नहीं ये जिंदगी मेरे को अपने बेटे को नहीं देनी है ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने ट्राई नहीं किया लेकिन उस वक्त उस बच्चे के लिए कुछ डिसीजन लेना बहुत जरूरी था इसीलिए मैं इस बात पे अड़ी रही कि मुझे अपने बच्चे के लिए ही इस शादी में नहीं रुकना है एक और चीज मैं आपको बता दूँ मेरी कोई अब्यूजिव मैरिज नहीं थी ना मेरा हस्बैंड बुरे थे ना मैं बस इतनी सी बात थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे गलत इंसान निकले हम दोनों ने एक दूसरे के वो पहलू बाहर निकाले जो शायद कोई देखना नहीं चाहेगा और उससे बेहतर है कि हम अपने अलग रास्ते चुन लें ये बहुत बड़ा रीजन था क्यों मुझे वो चीज़ इतनी अफेक्ट की थी क्योंकि बचपन में जब मैं मम्मी पापा को लड़ते देखती थी मुझे उसका इम्पैक्ट पता है और मैं ये नहीं चाहती थी अपने बच्चे के साथ हो इसलिए मुझे वो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था सो so, टू में हम लोग वापस इंडिया आ गए और यहाँ पे शुरू हुआ मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना डिफिकल्ट हो सकता है ए, मेरे माइंड में डिवॉर्स लेकर अपने बच्चे को अकेले पालना कितना ही डिफिकल्ट हो सकता है मैं बहुत ही प्रिपेयर्ड थी लेकिन वापस आके अगले दो तीन साल मैं सिर्फ अपनी फैमिली से लड़ती रही इस बात के लिए कि मैं उनको कन्विंस कर पाऊं कि मैं गलत नहीं हूं क्योंकि हर स्टेप पर हर रोज मैं यही देख रही थी कि वो मुझसे कितने शर्मिंदा हैं, कितने परेशान हैं इस बात को लेकर कि मैं अपने पति का घर छोड़कर उनके साथ हूँ लोगों में सोसाइटी में उन लोगों को शर्म आती थी बहुत टाइम तक ये कहते हुए कि मैं एक डिवोर्स्ड हूँ और ये चीज मुझे बहुत काटती थी इतना ज्यादा कि मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की और सेल्फ स्टीम की तो ढज्जियां उड़ चुकी थी मुझे आज भी याद है मैं इतनी बार रात को सोते हुए पंखा देखती थी एंड uh, मन करता था कि उस पर ना लटक जाओ फिर मैं टर्न होके अपने बेटे को देखती थी ट्रस्ट में वो सिर्फ ख्याल थे और बहुत अच्छा है कि वो ख्याल थे क्योंकि वो जो छोटा बच्चा मेरे बगल में लेटा रहता था वो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता था, था उसको देखकर मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे उसको वो सब कुछ देना है जो वो डिजर्व करता है मेरी और मेरे हस्बैंड की सेपरेशन का असर मैं उस पर नहीं लाने दे सकती सो so, मेरी सारी चॉइसेस इसके बाद सिर्फ उस बच्चे के हिसाब से होती नहीं एंड इस चक्कर में मैंने अपना करियर वापस जीरो से स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी सिर्फ इतना पता था कि क्या पढ़ाई की है अभी तक क्या नौकरी की है उसी से जितना अंदाज़ा था अपने घर के बेसमेंट से मैंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया कस्टमाइज्ड होम डेकोर का एंड रीज़न सिर्फ एक था कि मुझे सर्वाइव करना है और मुझे अपने बच्चे को टाइम देना है मैंने बहुत मेहनत की वो बिज़नेस भी अच्छा चला लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं थी अलग अलग लेवल पे मैं अपने आप से लड़ रही थी इमोशनल लेवल पे लड़ रही थी मॉनेटरी लेवल पे लड़ रही थी फिजिकल लेवल पे लड़ रही थी बेसिकली मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड 2014 के आखिर तक आते आते मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहती मुझे कुछ और करना है एंड सब हैरान निधि तुम करना क्या चाहती हो अगर निधि कोई पता होता तो बता ही देती कि वो क्या करना चाहती है मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं खुश नहीं हूँ सो so, 2014 के एंड तक मैंने अपने बिजनेस को वाइंड अप किया एंड एक नए प्रोफेशन में कदम रखा एडुकेशन मैं हमेशा से एजुकेशन से दूर भागती रही मुझे नहीं बनना था एक एजुकेटर लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था तो जब ये सजेशन मेरे सामने मेरे पापा ने रखा कि अगर कुछ नहीं आता है तो टीचर बन जाओ उस दिन मैंने मना नहीं किया मैंने कहा चलो ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को कि उस दिन मैंने उसको निगेट नहीं किया मैंने उसको इग्नोर नहीं किया क्योंकि उस डिसीजन ने मेरी जिंदगी की पूरी ट्रैजेक्टरी आगे का रास्ता बदल दिया और मैं बहुत खुश हूं और इस सब के बीच में मुझे दोबारा से प्यार हो गया एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ही ब्यूटीफुल था एक ऐसा इंसान जिसमें मुझे वो सब कुछ मिला जो शायद मेरे पिछले रिलेशनशिप में मेरी मैरिज में मिसिंग था बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एक प्रोटेक्टेड फीलिंग दस साल एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला लेकिन दस साल के बाद उस इंसान ने मुझसे पहले अपने सपनों को चुना एंड ये भी तब जब हम लोग इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे फैमिलीज बच्चे सब रेडी थे लेकिन नहीं चली एंड ये मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे डार्केस्ट फेज था क्योंकि इसने मुझे उस पॉइंट पर पहुंचाया जहां से नीचे गिरने की और कोई जगह थी ही नहीं एंड मैं एक्चुअली आज देखती हूं तो मैं बहुत खुश हूं कि ये चीज हुई बिकॉज उस चीज ने एक नई निधि को जन्म दिया एक नया रास्ता मुझे दिखाया, बताती मैं आपको क्या? So, जब ये इंसान मुझे छोड़ के गया मैं बिल्कुल होपलेस थी मुझे नहीं पता कि मैं को अगले दिन उठना क्यों है मेरे कोई सपने नहीं है सारे सपने तो उसके हिसाब से थे ना मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे अपने दर्द को फील करने का भी मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा बेटा है मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं साथ में मैं किस किस को जवाब देती फिरूंगी रोज़ की जिंदगी भी चलानी है एंड जब ये सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर पाई तो मैंने अपने आप को एक साइकेट्रिस्ट के सामने पाया और क्यों क्योंकि मैं एक परफेक्ट इंसान बनते बनते थक गई थी मैं लोगों को प्लीज करते करते थक गई थी अपने आप को इतना गिरा गिरा के थक गई थी और उस सब के बावजूद सबको मुझसे ही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे नहीं पता कि मुझे आगे कैसे बढ़ना था मुझे सिर्फ अपने दिन निकालने थे दवाइयां लेकर मैं अपने दिन निकालती थी लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे बोला मम्मा आजकल आप हंसते क्यों नहीं हो वो एक लाइन मुझे बहुत बुरी तरह हिट की और मैंने ये रियलाइज किया कि ये मैं नहीं हूं मैं विक्टिम नहीं हो सकती अपनी स्टोरी की मैं बहुत स्ट्रांग हूं मेरा बेटा है जो मुझे रोज देखता है मेरा बेटा है जो मुझसे सीख रहा है मेरा बेटा है वो वही बनेगा जो मैं हूं और अगर मैं इतनी वीक हो गई ना अभी तो मैं उस बच्चे को तो मैं कभी भी एक स्ट्रांग इंसान नहीं बना पाऊंगी उस दिन मैंने अपने आप को वापस उठाया मैंने डिसाइड किया कि मेरी कहानी अब मैं लिखूंगी मैंने अपने आप को एक कोच की मदद से अपने माइंडसेट को अपने सोचने के तरीके को बहुत ही एम्पावर किया और सबसे खूबसूरती की बात पता है क्या थी ये जो पूरी जर्नी थी ये पूरी जर्नी मुझे वहां लेके गई जहां पर मैं कभी गई ही नहीं थी अभी तक मैं सिर्फ दुनिया को प्लीज करने में लगी हुई थी दुनिया की रिस्पेक्ट करने में लगी हुई थी उनके सपने पूरे करने में लगी हुई थी लेकिन मैंने कभी उस इंसान को नहीं देखा जो सबसे ज्यादा ये डिजर्व करता था और वो इंसान मैं खुद थी मैंने कभी अपनी रिस्पेक्ट नहीं की एक जवाब मिला मुझे सारे क्वेश्चन का जो मेरे माइंड में चल रहे थे आई वॉज नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ मैं अपने से ही प्राउड नहीं थी इतना कुछ किया मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया था लेकिन हर एक चीज को मैं नेगेटिव बना देती थी हर एक चीज को मैं कम बना देती थी क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ सोचती नहीं थी अच्छा हमेशा मुझे दूसरों की जरूरत पड़ती थी वैलिडेट करने के लिए उस दिन उस वक्त जब मैंने अपने माइंड को चेंज करना शुरू किया मैंने अपने आप को जानना शुरू किया एंड जैसे जैसे मैंने अपनी गांठें खोलनी शुरू की मैंने अपना नज़रिया बदलना शुरू किया ट्रस्ट मी मैजिक हैपेंड जादू मतलब जिन चीज़ों से मुझे इतने टाइम से प्रॉब्लम थी मम्मी पापा के सोच से उनके कंजर्वेटिव एटीट्यूड से अपनी सर्कमस्टेंसेस से लोगों से मेरे सारे रिश्ते मेरे काम मेरा नज़रिया सब चेंज हो गया मम्मी पापा के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो गई मेरा बेटा जो मेरी एंजाइटी का ज़्यादा शिकार हुआ वो खुश होना शुरू हो गया एंड तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान इस दलदल में घुस सकता है सेल्फ डाउट की और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की डिप्रेशन की तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में और मुझे मदद करनी है उनकी तब मैंने अपने आप को एक सर्टिफाइड कोच बनाया ताकि मैं दूसरों को उस चीज में मदद कर पाऊं जो मैंने खुद की की है पिछले एक साल में मैंने वो चैलेंजेस लिए हैं अपने काम को लेकर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं पाती और इस पूरे में एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैंने कंपटीशन किया है सिर्फ और वो इंसान और कोई नहीं वो सिर्फ मैं हूँ क्योंकि पूरी जिंदगी मैं सिर्फ ऐसी रेस में भागती रही जिसमें मैं अकेले भाग रही थी लेकिन कंपेयर में पूरी दुनिया के साथ कर रही थी फाइनली अब मैं उस रेस में भाग रही हूं जिसमें मैं हूं और मेरे को अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है And क्योंकि मैं अपने सपनों के साथ भाग रही हूं मैंने एक साल में वो अचीव किया जो शायद बहुत लोग सालों साल में नहीं कर पाते अभी अगस्त में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया साउथ एशिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड स्टेज पे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पीकिंग चैंपियनशिप्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग उसकी सेमीफाइनलिस्ट थी मैं और माइंडेड इंडिया से मैं पहली फीमेल थी जो इस पोजीशन पे पहुंची और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पिछले एक साल से वो कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ जो मैं सपने देख रही हूँ सो so, जब आजकल के बच्चे बोलते हैं ना कि उम्र हो गई है बीस बीस साल के बच्चे मुझे समझ नहीं आता कि उम्र कैसे हो जाती है जब मैं फोर्टी सिक्स की उम्र में सपने देखना शुरू कर सकती हूँ तो आप सपने क्यों नहीं देख सकते हो सपनों की कोई उम्र नहीं है आप जिस दिन जागो उस दिन सवेरा सपने देखिए बहुत लंबा रास्ता है उसको तय करना है इसलिए आज ही शुरू हो जाइए राहें दूर है इश्क में होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या और जाते जाते मैं जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी कहानी रखने का और अगर आपको उनके जरिए मेरी कहानी पहुँची और आपको कुछ समझ आया और कुछ आपको हिम्मत मिली उसके लिए थैंक यू एंड जो स्टॉक्स के लिए थैंक यू नमस्कार इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें